दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशु शर्मा, आपका स्वागत करता हूं पिक्सेल स्नैपशॉट के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, यहां पे बहुत बड़ी मेजर अपडेट आ रही है इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट के एक पार्ट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से भी, जिसका जानना आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिना टाइम वेस्ट करें और दिखाता हूं कि क्या मेजर अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक आर्टिकल है जो कि मीडियम वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल को पब्लिश करा है दोस्तों क्रिप्टो कानून ने। अगर आप लोग नहीं जानते क्रिप्टो कानून क्या है, तो क्रिप्टो कानून एक कम्युनिटी है कुछ वकीलों की जो कि इस क्रिप्टो करेंसी के मुहिम में हम लोगों के साथ है और हर चीज़ को यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्विटर पर इनको फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी अपडेट आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी तरफ से बड़ी सी एक मेजर अपडेट सामने आ रही, वो ये आ रही कि वो क्रिप्टो करेंसीज को ट्रीट कर रहे हैं एज अ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऑफ पेमेंट्स अगर आपको यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए तो वो ये है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जिस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वर्चुअल करेंसीज को कह रहा है कि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ट्रांजेक्शन करने का एक तरीका है। साथ ही दोस्तों, ये एक बात यहाँ पे क्यों उठी है उसका भी यहाँ पे डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाई है और वो एक लीगल रिफॉर्म यहाँ पे बॉडी है। साथ ही ये जो बॉडी होती है इसके अंदर जो भी मेम्बर्स होते हैं उनको 3 साल के लिए यहाँ पे काम करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशरी के अंदर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं और इनकी तरफ से मेजर अपडेट ये है कि ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जो कि है क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं दोस्तों, बल्कि गैम्बलिंग और जो बैटिंग होती है मैचेस के अंदर उनके बारे में। क्योंकि दोस्तों, इनकी जो पिछले बार की रिपोर्ट थी और जो इनकी खुफिया एजेंसी थी जिन्होंने यहाँ पे वर्कआउट करा था और जो आईपीएल और इसके अंदर जितने भी मैच फिक्सिंग्स होते हैं जो बीसीसीआई में होते हैं, वहाँ पर जब ये चीज़ों को पाया गया कि वहाँ पे गैम्बलिंग और इसमें किस तरीके से वर्चुअल करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अब हम लोगों को एक लीगल फ्रेमवर्क लाना होगा गैम्बलिंग और बेटिंग जो होती है उसके ऊपर। साथ ही साथ ये एक रिफॉर्म होगा और एक की एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। साथ में इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जैसे लोढ़ा कमेटी, उनका भी नाम यहाँ पे सामने आया है जिस जो यहाँ पे वर्चुअल करेंसीज के अंदर डील करते हैं और ये फिक्सिंग और बैटिंग के सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों, जो लॉ कमीशन है वो क्रिप्टो करेंसी को मान रही है और रिकॉग्नाइज कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट जो कि हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, और ये इसको बिल्कुल भी अलग नहीं मानते हैं। उसका जो आरबीआई ने यहाँ पे सर्कुलर निकाला था वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी गैम्बलिंग हो रही है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी है वर्चुअल करेंसीज के अंदर, ऐसा यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे फ्रेमवर्क्स आ जाए। साथ ही दोस्तों, आरबीआई की तरफ से भी एक बहुत बड़ी एक अपडेट आ रही है कि आरबीआई यहाँ पे अर्ज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वो यहाँ पे रेगुलेट कर दे क्रिप्टो को। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे उसने ब्लैंकेट बैन लगा दिया और अब वो आरबीआई को बोल रहा है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पे रेगुलेट करा जाए। तो अगर आप माने कि आरबीआई ने जब यहाँ पे इसके ऊपर बैन लगा दिया था तो कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस और कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम नहीं कर पा रहा था, जब भी उनसे कुछ पूछा है तो एक ही चीज़ बोलते हैं, हाई रिक्स है और इससे अनफेयर वर्क होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को कुछ सूत्रों के द्वारा पता पड़ा था और सुभाष चंद्र गर्ग जी जो है उन्होंने खुद ने बताया था कि हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क यहाँ के ऊपर तैयार कर लिया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो कि बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी फ्रेमवर्क सामने नहीं आया है। उसके दोस्तों, कुछ सूत्रों से यहाँ पर पता पड़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जितनी भी एनोमस चीज़ें हैं जैसे वर्चुअल करेंसीज हैं उनको यहाँ पर क्लासीफाई करने वाली है क्रिप्टो करेंसी को एज अ कमोडिटी और उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाने वाली है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इंडिया की तरफ से और आई होप इसके बाद इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों और हम लोग अब वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का जो कि आने वाला है यहाँ पे 11 सितंबर को, और हो सकता है उस दिन वो फाइनल डिसीजन हो, उसके बाद कोई हमें आगे की डेट देखने को ना मिले। तो बस दोस्तों, यही थी आज की सारी न्यूज़ और जो कि आ रही थी इंडिया से, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप दूसरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं है तो कर दीजिए डिसलाइक। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। टेलीग्राम हमारा एक ग्रुप है, एक चैट ग्रुप है जहाँ पे आप बाकी मेंबर्स के साथ चैट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।